हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं आ गई हूँ फिर एक नए वीडियो के साथ, जो वापस है, जो लंदन डायरी में से एक जगह का वापस है जो वीडियो मैं अपलोड कर रही हूँ। और इस बार हम हैं नेशनल गैलरी। नेशनल गैलरी जो है वो भी सेंट्रल में ही आता है, और हम वहाँ पर गए थे। और नेशनल गैलरी में मैं आपको आगे वीडियोज़ में बताऊँगी भी कि बहुत ही खूबसूरत है, और उसके अंदर क्या है वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो जिसके पहले, नेशनल गैलरी जाने के पहले ही बाहर बहुत ही ओपन स्पेस है, जहाँ पे आर्टिस्ट जो होते हैं पेंटिंग्स करते रहते हैं। हर कंट्री का यहाँ पर देखिए, जैसे कि फ्लैग बनाया हुआ गया है। इसके बाद यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लोग पेंटिंग कर रहे हैं। यहाँ पे थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे सिंगर है, वो गाना गाता रहता है, और जिन्हें जो भी पैसे देकर जाना रहता है वो देकर जाता है। और जब हम गए थे तो ये नेशनल गैलरी जो है, इसका काम चल रहा था, आई थिंक रेनोवेशन का काम चल रहा था, बट ये गैलरी जो था वो ओपन था, आप अंदर जाकर देख सकते हैं। और ये जो है, ये बाहर का क्राउड है, बहुत सारा क्राउड था। और यहाँ पे जो मैंने पहले पेंटिंग दिखाई, अलग अलग कंट्री के फ्लैग बना रहे हैं वो, तो जो लोग जो कंट्रीज आए हैं वो फ्लैग के ऊपर उनको जो भी पाउंड्स पेनी मतलब पैसा जो भी डालना है वो डाल रहे थे। और यहाँ पे ये सिंगर्स थे, ये गाना गा रहे थे, जिनको सुनना है खड़े होकर सुन रहे थे, वीडियोस निकाल रहे थे। और बहुत ही अच्छा नज़ारा कहूँ, बहुत अच्छा नज़ारा था। ये देखिए, ये भी एक पेंटिंग बना रहे, चौक का, कोई चौक का इस्तेमाल करके बना रहा था, कोई कलर पेंट का इस्तेमाल करके बना रहा था, ऐसे ही ये पेंटिंग्स बना रहे थे। काफ़ी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स यहाँ पर बना रहे थे लोग, और बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में। इसके बाद हम नेशनल गैलरी की तरफ बढ़ने से पहले जो आजू बाजू का जो एरिया है वो हमने ऐसे 360 कवर किया था, कि वो आजू बाजू का लोकेशन जो है वो कैसा लग रहा है, वो भी बहुत ही सुंदर था। आगे आप देखेंगे कि लाइंस वगैरह के जो है वो बड़े बड़े स्टैचूज थे, वहाँ पे लोग फ़ोटो खिंचवा रहे थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और उसके बाद एक ये जो है, ये मिलिट्री में थे, सोल्जर थे, इनका भी एक बहुत बड़ा पुतला लगा हुआ है यहीं पे नेशनल गैलरी के पास ही। जैसे ये एक यहाँ पर ये जो देख रहे हैं आप, एक ये जो स्टैचू है, इनका नाम, ये वहाँ के सोल्जर थे ब्रिटिश टाइम के, और ये मेजर सेंट्रल सर हेनरी जो है, ये इंडिया में भी 1823 में आए थे ये, तो ये वो टाइम के उनके सोल्जर थे ब्रिटिश के। इनका काफ़ी नाम है, गूगल करेंगे तो, इन्होंने अफ़गान के साथ भी वॉर किया था और वहाँ से भी वो जीते थे काबुल में। ये सब इनके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ हैं, मैंने भी थोड़ी बहुत रीड की, बट इतना मुझे इस वीडियो में बोलने के लिए इतना टाइम नहीं है, वीडियो काफ़ी शॉर्ट है तो टाइम ख़त्म हो जाएगा। सो ये सामने ही मैंने आपको बताया कि लायन के बड़े बड़े स्टैचू थे, बच्चे फ़ोटो खिंचवा रहे थे, और बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ये हम नेशनल गैलरी के जो जो ये कैप्चर किया है व्यू, जो फ़ोटोज़ है, ये सब नेशनल गैलरी के ही सामने हैं। और इसके बाद लास्ट में हम ये सब होने के बाद, ये सब कैप्चर करने के बाद नेशनल गैलरी गए थे, और वहाँ पर जाकर इतना अच्छा लगा। वहाँ पे जो अंदर आप देखेंगे, एक एक जो पेंटिंग है वहाँ पे, वर्ल्ड की जो बहुत फेमस फेमस पेंटिंग्स है वो वहाँ पर है, बहुत ही अच्छी अच्छी पेंटिंग्स थी वहाँ पर, और इतना अच्छा लगा हमें देखकर। तो अब हम नेशनल गैलरी की तरफ बढ़ते हैं। तो हम अब नेशनल गैलरी की तरफ हमें जाना है। जैसे कि देखिए, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये जो नेशनल गैलरी है उसका ये काम चल रहा था, रेनोवेशन का काम चल रहा था। और ये जितना भी मैंने आपको दिखाया, ये सब नेशनल गैलरी के बाहर जो है वो एरिया है। और ये काफ़ी, कहते हैं ना, भीड़ वाला इन द सेंस, लोग बहुत घूमने फिरने आते हैं, एक मतलब पर्टिकुलर एक अच्छा लोकेशन है और जाना माना प्लेस है जहाँ पर लोग विज़िट करते हैं। तो ये अब हम आ गए थे अंदर नेशनल गैलरी में, अंदर तो हम अब जाएंगे, और आपको मैं हर एक मतलब ट्राई करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको कवर करके पेंटिंग्स दिखा सकूँ। यहाँ पे बहुत ही फेमस फेमस पेंटिंग्स है, और यहाँ के जो नीचे का फ्लोर है उसका भी आप डिज़ाइन देखेंगे, इतना सुंदर और इतना यूनिक है ना। ये देखिए, इस पर भी पेंटिंग्स वगैरह बनाई गई है। यहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी पेंटिंग थी, और काफ़ी पुरानी पुरानी पेंटिंग्स है नेशनल गैलरी में।
और हर एक पेंटिंग के पीछे भी कुछ मतलब बनाने वाले के कुछ रीजंस है और क्यों बनाए हैं, मतलब हर पेंटिंग के पीछे एक अपनी ही हिस्ट्री है। तो उसमें तो बहुत सारी पेंटिंग्स थी, मैं आपको सबका तो नहीं बता सकती, लेकिन इतना मैं इसमें बता सकती हूँ कि नेशनल गैलरी में जो सबसे पॉपुलर पेंटिंग है वो है द एर्नोल्फिनी पोर्ट्रेट करके है, बाय जेनवेन ने उन्होंने बनाया है, जो वहाँ पे हाईएस्ट नंबर में लोग व्यू करते हैं और वो बहुत ही अच्छी पेंटिंग है। मैं वो उस पेंटिंग का एक जो फ़ोटो है मैं मेरे वीडियो के लास्ट में आपके साथ शेयर करूँगी, ज़रूर बताऊँगी कि वो ऐसी कौन सी पेंटिंग है जिसे लोग ज़्यादा देखते हैं और ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। वैसे तो यहाँ पर हर एक पेंटिंग मुझे बहुत अच्छी लगी और आप भी देख सकते हैं मैंने लिया, और ये गैलरी भी काफ़ी खूबसूरत है, इसके फ़ोटोज़ भी जो है ना देखिए सबके आप देख सकते हैं, अलग अलग फ्रेम्स है, कितने अच्छे लग रहे ये फ़ोटोज़ जो बनाए गए हैं, जो पेंटिंग की गई है कितनी खूबसूरत है, लोग दूर दूर से आते हैं और इसमें जो देखने के लिए आते हैं लोग उनके लिए मतलब वो जान सके, तो हर एक पेंटिंग के बाजू में उससे रिलेटेड स्टोरी लिखी गई है या उसकी कहानी लिखी गई है या उसे कौन से टाइम में बनाया गया है, किसने पेंटिंग को बनाया है, वो सब कुछ हर एक जानकारी जो है जो होनी चाहिए मतलब पेंटिंग के रिगार्डिंग, वो जानकारी पेंटिंग के बाजू में ही लिखकर एक वाइट कलर का आपको दिख रहा होगा छोटा सा बोर्ड जैसा या छोटा सा ये देख रहे हैं आप, तो इस पे पेंटिंग की जानकारी अच्छे से दी गई थी। और ये जो गैलरी भी थी ना इसका भी जो आर्किटेक्चर था वो बहुत ही खूबसूरत था, इसके दीवारों के डिज़ाइन देखिए, ये इसकी फ्लोरिंग भी मैंने आपको दिखाया वो भी बहुत खूबसूरत था, ये देख सकते हैं आप कितना सुंदर है ये। और यहाँ पे लोग काफ़ी आ रहे थे और जो आ रहे थे ना लिटरली हर एक फ़ोटो के पास खड़े होकर वो पढ़ रहे थे कि इसके पीछे रीज़न क्या है, कब बनाया, मतलब लोग जो है वहाँ पर मतलब जानकारी ले रहे थे, ऐसा नहीं हम देख लिए और निकलते जा रहे, नहीं, हर एक जगह पे रुक कर अच्छे से उसके बारे में वो पढ़ रहे थे। और हमें भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला यहाँ पर जाकर, बहुत अलग अलग किस्म की पेंटिंग देखने को मिली हमें यहाँ पे, और जगह भी बहुत ही खूबसूरत थी, और जैसे मैंने बाहर का भी आपको दिखाया बाहर भी बहुत ही अच्छा था, दो तीन जगह थी जो बहुत ही खूबसूरत थी। और इसके बाद हम और भी यहाँ पर फ्लोर वाइज है, ऊपर भी थी पेंटिंग्स देखने के लिए, दो तीन फ्लोर था और काफ़ी अच्छा था सारी पेंटिंग्स। और हाँ यहाँ पे ना स्कूल के बच्चों को भी लाया जाता है और उन्हें लाकर इन यहाँ पे हम जब गए थे तो स्कूल के बच्चे भी थे, उन्हें एक्सप्लेन कर रहे थे, जैसे यहाँ पर भी हम जाते हैं स्कूल की पिकनिक वगैरह या वन डे जाते हैं कहीं पे लेकर जाते हैं जहाँ की जानकारी देते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी लेकर आए थे बच्चों को और बच्चों को बता रहे थे कि कौन सी पेंटिंग है क्या है, सब कुछ जानकारी दे रहे थे, उनके टीचर्स आए थे साथ में। अगर आप यहाँ पर हर पेंटिंग के पास खड़े होकर अगर उसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको कम से कम 3 से 4 घंटे लग जाएंगे ये गैलरी को कवर करने के लिए और सारी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। ये था लंदन का नेशनल गैलरी, बताइएगा आपको कैसा लगा मेरा वीडियो। थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत